दोस्तों कहा जाता है कि म्यूजिक में इतनी ताकत होती है ना कि वो किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है, या किसी का दिल तोड़ भी सकती है और किसी का दिल जोड़ भी सकती है। लोग भले ही आपके साथ रहें या ना रहें, लेकिन म्यूजिक हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ रहती है। हमने कई बार देखा है और पढ़ा भी है कि किस तरह से गानों का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता था। आज हम एक ऐसे ही गाने के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बेला चाओ। मनी हाइस्ट देखने के बाद अगर ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में शामिल ही ना हुआ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये गाना लगभग 75 साल पुराना है, जो कि मनी हाइस्ट के जरिए पूरी दुनिया में फेमस हुआ है। इस गाने को इस सीरीज में लाने का सारा क्रेडिट जाता है इसके राइटर को। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अक्सर इस गाने को सुना करते थे। उन्हें यह लगता था कि इस गाने को रिक्रिएट किया जा सकता है, तो उन्होंने रिस्क लिया और रिजल्ट आज हम सबके सामने है। ध्यान रहे कि उन्होंने रिक्रिएट करके इस गाने को ब्लॉकबस्टर बनाया है, ना कि इसकी इज्जत लूटी है। बेला चाओ एक इटालियन वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है गुड बाय ब्यूटीफुल, लेकिन जनरली इसे दो तरह से यूज किया जाता है, किसी को हेलो बोलते वक्त और किसी को गुड बाय बोलते वक्त। आप इसे फ्लर्टिंग वे में भी ले सकते हैं और एज वेल एज फ्रेंडली वे में भी ले सकते हैं। यह गाना इटली का लोकगीत है जो कि 19th सेंचुरी में खूब फेमस हुआ था। उस समय खेती करते हुए किसान इस गाने को गाया करते थे, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे देश में होता है। यह गाना उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उनका विरोध जाहिर करने का एक तरीका था। बाद में सन 1943 से 1945 के बीच इटली के सिविल वॉर के दौरान कुछ बदलाव के साथ इस गाने को रिवॉल्यूशन के सिंबल के तौर पर यूज किया जाने लगा। समय के साथ साथ ये गाना प्रोटेस्टर्स के लिए प्रोटेस्ट करने का एक तरीका बन गया। आपको बता दें, बेला चाओ गाने का यूज सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि अपने देश में भी किया गया है। जी हाँ, देश में डफली वाले गैंग द्वारा हुए कई प्रोटेस्ट में इस गाने का यूज किया गया है। अगर आपने मनी हाइस्ट को ध्यान से देखा होगा तो समझ गए होंगे कि प्रोफेसर ने एक सीन में खुद ही इस गाने के सोर्स का हिंट दिया है। प्रोफेसर जब बताते हैं कि उनके दादाजी ने सन 1940 से 1950 के बीच इटली में नाजियों से लड़ाई लड़ी थी, इसी एक लाइन से पता चल जाता है कि ये गाना कहाँ से आया है। 19th सेंचुरी से अब तक इस गाने के इतने ज्यादा वर्जन आ चुके हैं कि आप गिनते गिनते थक तो जाएंगे, लेकिन सुनते सुनते बोर नहीं होंगे। समय चीजों को इतनी तेजी से बदल देता है कि पता ही नहीं चलता है। कभी ये गाना गरीबों की आवाज हुआ करता था और अब ये सम्मान की लड़ाई का एक प्रतीक है। वैसे सच कहें तो ये गाना किसी को घंटा समझ में नहीं आता है, लेकिन सुनने में भी सभी को अच्छा लगता है। तो अगर आपने भी इस गाने को सुना है तो उसे लेकर आपके क्या विचार हैं, उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।